तो यहाँ पे पतिदेव खेल रहे हैं क्रिकेट। हे हे, बस अब उसके ऊपर चढ़ेगा ये। और इस समय देख सकते हैं कि सारी महिलाएं सब यहाँ पर आई हुई है और यहाँ का जो लोक गीत है वहाँ सब कुछ गाया जा रहा है। इधर माँ जो है और मौसी जो है सभी अपनी बहनों के साथ जो है बैठ गई है यहाँ पर खाने के लिए। फिलहाल हम लोग आए हुए हैं जी खगड़िया के मार्केट ही और जिया को लेना है यहाँ पर ज्वेलरी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी कल संपन्न हो गया तिलक समारोह, तो देख सकते हैं जितना भी समियाना सब है जो सब है अब जो है सभी को एक एक करके जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। क्रियांश जो है हमारा इस जगह का जो है भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। क्रियांश जो है अपना लगा हुआ यहाँ ड्यूटी में, जब से उठा है तब से इसी चीज में लगा हुआ है। इसका सारा कपड़ा सबका हालत देखिए जी, भरपूर मिट्टी मिला वहाँ पर। बात है कि सिमेंट मिलता है, सिमेंट में से थोड़ा थोड़ा खोदता है, तो पूरा मिट्टी मिल गया इसको। हाँ, इसीलिए कर रहा है। क्रियांश इसको पूरा मिट्टी मिट्टी खेलने दो, उसके बाद ना। हाँ वही कर रहे हैं, गिट्टी रखो, गिट्टी रखो। खेल के एक बार थक जाए उसी के बाद नहाया जाएगा इसको। जय, वाह वाह वाह, बहुत शाबाशी वाला काम कर रहा है। तो क्रियांश सपना जो है कुछ इस तरह का हालत किया हुआ है, देख सकते हैं इसका पेंट वेंट देखिए कुछ ये हालत है, पर हाथ देखिए। और इसका खेल जो है खत्म नहीं हो रहा है, सोच रहे अब सोएगा तब सोएगा। 8 बजे से उठ चुका है और लगभग अभी बज रहे हैं 1 और इसका खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्रियांश, हाँ बस बस बस, ये खेल सबसे प्यारा है, कुर्सी को उलटना, बस बस। हाँ बस बस बस, हेलो ठीक है ठीक है, तुम नीचे ही रख। यहाँ मम्मी जा रही है हुआ क्या, जो रात में चाबी दिया नहीं, खो नहीं गया। बेटी का बाप कुछ नर्वस हो गया था ना, बेटी का ना बिया था, हम लोग को हुआ कुछ नहीं दिया तो बहुत गाली दिए। गिफ्ट में तो देना चाहिए ना, तो हम लोग को तिलक तो नहीं दिए है ना, मांगे है तो गिफ्ट मांगे है ना दिए। अभी तो बेचारा सब कुछ दे दिया, इसलिए समधी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला हम लोग को। लेकिन थोड़ा मूर्ख हमारे समाज बन गए, नहीं दिखाए। और ये पिटारा अभी खुला हुआ है, ये आयरन है, बड़ा ये तुमको गिफ्ट मिलता है समधिन और समधन को, जो कि आप बेटा बहू को अपना चाबी दीजिए, आप लोग पूजा कीजिए, दोनों आदि मंदिर में जाकर पूजा कीजिए। और साथ में हमारा भाई अगर जाएगा तो हम लोग भी जाएंगे वहीं बैठ के राम राम करेंगे। आपको भी मंदिर में दिलवा देंगे, हम लोग भी जाएंगे मंदिर अयोध्या में। ला तो बेटा लगा दे, वहां पास में मंदिर है, मरा मंदिर, चलो जो ठीक है सब कुछ दिया है। हां अब क्या लेगा, अब उसमें सिर्फ टार पेंट लगा करके कुछ बोला नहीं, यही जो गलती थी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यहां क्रियांश जो दरवाजे पे क्या कर रहा है, गुलू गुलू नहीं होता यहाँ पे, देखो दुलू दुलू, ये देखो हाथ भी आया है, कहाँ कहाँ भी नहीं आ गया, कहाँ से हाथ गीला किया बोलो, काका कर दिए, काका तो यहाँ है ही नहीं तुम्हारे, काका कैसे कर दिए तुम्हारे, अभी चे काका का नाम लगाता है तुम, छप्पो बोल दो आई लव यू, बोल दो आई लव यू, मम्मा मम्मा लव यू टू बेटा। ये बार बार आता है और नोज में नोज टच करता है, भैया है भैया है। फिलहाल बज रहे हैं जी शाम के 7:30 और इस समय देख सकते हैं जी सारी महिलाएं सब यहाँ पर आई हुई है और यहाँ का जो लोक गीत है वहाँ सब कुछ गाया जा रहा है और सभी लोग इकट्ठा है। तो जब तक शादी नहीं हो जाती है, शादी के दिन तक जो है लगभग यह विध और यह रस्म यह लोकगीत सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और शादी तक है हम, तो कोशिश करेंगे जितने भी रीति रिवाज हैं यहाँ के सब आपको दिखा दें। और मेरे बेटे ने जो तबाही मचा रखी है, पूछिए मत, कभी यहाँ घूमना कभी वहाँ घूमना, बस सभी लोग बिजी इसके पीछे। Yeah.
हे क्रियांश इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 कहाँ 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 आ जाओ ये लड़का इधर आओ ये लो नहीं दीदी और तमाशा आप लोग को इसका परिचय मैंने कल ही करा दिया था लेकिन आज इसकी यहाँ से विदाई हो रही है क्योंकि विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों बच्चे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। स्वाभाविक है बच्चों का करियर के सामने विवाह नहीं देखा जाता है, इसलिए आज यहाँ से हम लोग से विदा लेके जा रही है। छोटी बहन पहले, बड़ी बहन लोग बाद में। The next day. तारीख है जी 18 फरवरी और क्रियांश को लेकर के हम घूम रहे हैं और क्रियांश किसके साथ खेल रहे हैं देख सकते हैं, गाय के साथ। और गाय भी इतनी सीधी है कि क्रियांश को भी कोई भी दिक्कत नहीं वहां से आ रहा है सामने से, और उनको भी लगता है कि गाय को भी मजा आ रहा है। क्रियांश के साथ आराम से हो रहा है खेल। ए क्रियांश, ये देख रहे कितनी सीधी गाय है, हे हे, बस अब उसके ऊपर चढ़ेगा ये। 20 minutes later. यहाँ क्रियांश आ गया बैट बॉल खेलने के लिए। जल्दी 1-2-3 कर दो, वो भी दे दो, कह रहा वो दे दो और लीवा बोले और हमको देगा कि तुम खेलो मेरे साथ। दो बॉल दो, जा छीन के जा। अब क्या ढूंढ रहे हैं? तो यहाँ पे पतिदेव खेल रहे हैं क्रिकेट, बड़ा आए बैडमिंटन वाले, फर्स्ट में ही आउट हो गए थे लेकिन ये अपना आउट नहीं दे करके बेईमानी से खेल रहे हैं। राम मिल गया, हैंड बॉल नहीं दे, बस गाड़ी का शीशा मत तोड़िएगा। एक और बॉलर जाते हुए यहाँ से, उसको सोच रहा है पापा मेरे खेल रहे थे हम बॉल देंगे। इधर माँ जो है और मौसी जो है सभी अपनी बहनों के साथ जो है बैठ गई है यहाँ पर खाने के लिए, और आज चूरा दही देख रहे हैं। चूरा दही किस बात को ले? इसीलिए खा रही हूँ जो हमको और किरण दीदी को टूनी मौसी को, अच्छा सबको फास्टिंग है, हम लोग चूरे दही में खाएंगे। आप तुम्हारी मम्मी या पूरे फैमिली का लोग नाश्ता में लो पूरी सब्जी खाई है, और हमारी भाभी जो है मार्केटिंग करने चली गई है, रूपम रानी मनोज की वाइफ, अच्छा जिसका बेटा का ब्याह है, तो पूरा सामान खाली है, घर पूरा खाएगी, नहीं खाएंगे। अच्छा स्थिति स्पष्ट कर दे, लोग बोली हम लोग फास्टिंग में, कितना दही चुराओ देखिए। उसके बाद मेरी भाभी गई है खगड़िया, इनके बेटे के साथ में हम लोग आए हुए हैं, आई लोग दही लग गया हाथ, अच्छा सब में सारी 1.5 किलो है। सबसे बेसी तो ये तो हंसने की बात हो गई, सबसे बड़ा स्वाभाविक की बात है हम दोनों बहन अनमैरिड थे उसी समय में, ये लोग तो बहुत बच्ची थी, बहुत बाद में आई उनकी भाभी है। इस बात को हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं, जहाँ हर पल आते हैं तो खुशी की अनुभूति होती है और अतीत का याद का एहसास। बिल्कुल जी, तो मुलाकात हुई थी जब अनमैरिड थी और अब सबको बीवी बच्चा पोता सब सब हो चुका है। जानते हो नीमू मौसी जो है उसकी बेटी हमको तिलक के दिन क्या पूछ रही थी, अच्छा। मौसी आप चली जाएंगी? चलिए नहीं, इस बार तो मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, बुलाने वाला दूसरा बार बुलाएगा नहीं हमको। तो भाई मेरा क्या कहा, जो जितना दिन रहना है दीदी आपका मैं कहा तो आपको हम जाने के लिए कैसे कहूँ। सही बात है जी, इसके लिए मनोज को बहुत बहुत धन्यवाद। ना जी लोग दही लेती है उसके पति के पीछे में, आखिर मन में अभी हम सब लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि हमारा कुछ सामान घर में ही छूट गया है और शादी का कुछ कुछ सामान भी लेना है। क्या मौसी जा रहे हैं? हाय हाय गाइस, तो जाए दादी पास नहीं जाए, नहीं तो दादी पास इसलिए नहीं आ रहा है जिसके दिमाग में है क्या दादी रोक लेगी, दादी दादी है डरते रहती है, इसको अपनी दादी आ जाइए हम इस साइड आ जाए। फिलहाल हम लोग आए हुए हैं जी खगड़िया के मार्केट और क्रियांश यहाँ पर कर रहे हैं बदमाशी और जिया को लेना है यहाँ पर ज्वेलरी, तो जिया का जो भी ज्वेलरी सेट था सब हमने घर पर छोड़ दिया,
ज्यादा आएगी, कभी खरीदा ही नहीं मैंने, आज फर्स्ट टाइम खरीदना पड़ रहा है अब जिया को, तो कोई बात नहीं, खरीदा जाए, यह भी एक्सपीरियंस लिया जाए।